यहाँ चल रहा है जी बहुत ही ज़ोरों शोरों से काम। तो चांद रात आप लोगों को सभी को बहुत बहुत मुबारक। और इतना काम क्यों फैला उसकी भी एक वीडियो आएगी प्रॉपर, तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ जी बहुत ज़्यादा सफाई होती है और मैं काफ़ी थक गई थी, जिसकी वजह से मैं ना ही खाना बना पाई ना ही मेहंदी लगवा पाई। तो यहाँ बजे थे जी 9:30, तो फिर भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। बाहर से हमने मंगाए पकौड़ियाँ और साथ इसकी चटनियाँ बहुत अच्छी थी, तो मज़ा आ गया था। और बहुत ज़रूरी बात जो आके छोटी सी क्लिप्स मिलेगी, इसलिए मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैंने लगाई जी नोज़ स्ट्रिप, पहली दफ़ा लगा रही हूँ ना, तो बहुत ध्यान से, क्योंकि हमें समझ नहीं आई थी कि इसको खोले कहाँ से, मतलब ओपन पन्नी कहाँ से होगी। तो फिर पता चला कि इसको जहाँ से टच करेंगे गीला होगा वो मैं ही बहन का पन्नी में मुँह से उखाड़ लेती हूँ, उसने मुँह पर लगा लिया, उसके पता है खाल ना उखड़ गई और खून निकल गया। तो मतलब उस वक्त बहुत शदीद वाला डर लग रहा था। तो आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। ये जी मेरा आज का सूट बहुत अट्रैक्टिव और बहुत प्यारा था। यू नो पाकिस्तानी जो कहते हैं ना, अब कर लेते हैं जी इनके प्राइस की बात। तो प्राइस है जी इनका 1300, ठीक है। और कढ़ाई जो ये नीचे का बॉर्डर दिया गया था ना, कढ़ाई इतनी एलिगेंट और इतनी प्यारी खूबसूरत हसीन लग रही थी ना, मतलब पूरा सूट ही मतलब पाकिस्तानी था। और इसका कपड़े की बात कर लें, जिसके लिए ना बहुत हम लोग परेशान होते हैं कि कपड़ा मिल जाए, फ़ोटो में कपड़े का नहीं पता चलता है, तो ये वही कपड़ा था जो एक फ़ोटो में लहराता हुआ दिखता है। तो मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत पागल रहती हूँ। तो अब कर लेते हैं जी मेकअप की बात। इसको स्टार्टिंग में मैं लगाऊँगी पोन्स और गुलाब जल को मिक्स करके चेहरे पे, जिसको ग्लो भी देगा और ज़्यादा मेकअप भी नहीं लगेगा, जिसको ज़्यादा मेकअप सूट नहीं करता। इस बार मैंने CVB का मस्कारा ट्राई किया है और इंशाल्लाह आपको आगे वीडियो में दिखा सब बताऊँगी कि कैसा मतलब मुझे सूट किया है। बाकी फेयरवे आपको पता है मस्ट है मेरे लिए। अब आ जाते हैं जी रेसिपीज़ की साइड। मैंने बनाया था जी शीर कोरमा, बिरयानी और बीफ वाला कोरमा, ठीक हो गया। शाम में हमने बढ़िया करके दस्तरखान लगवाया, ताफ्तिश आफ्ते चली। बस वो लोगों की वीडियो नहीं बना सकते, इंसान चार चीज़ें सोचता है जिस हिसाब का माहौल हो रहा है, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो मैंने बनाई थी जी बिरयानी, रायता, बीफ कोरमा, खीरे थे। और जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। माजरा चाहती हूँ ये छोटा मोटा व्लॉग बनाया, आप लोग समझ सकते हैं जो घर में बड़ी होंगी कि इस ईद पर तो बहुत काम होता है। मीठी ईद का ये होता है कि हम लोग कंप्लीट करके रख देते हैं, लेकिन ये तो ऐसा होता है जब आता है जब भी करना पड़ता है। और ये ऊपर शायद इतना शदीद मौसम हो रहा था, फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के चली गई थी। तो उम्मीद करती हूँ आपका व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।